अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट अवेटेड वीडियो है। हर जगह कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और जल्द से जल्द हमें बताओ इस प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने आज से एक महीना पहले अपने चैनल पर एक किट के बारे में वीडियो अपलोड की थी, दैट आई हैव बॉट अ किट, हेयर किट बेसिकली। तो उसके बारे में रिव्यू मैं शेयर करूँगा। तो अपने एग्जाम्स की वजह से मैं इतना बिजी हो गया कि रिव्यू शेयर नहीं कर पाया। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको एक मंथ के यूज़ के बाद इस हेयर किट का कम्प्लीट रिव्यू बताता हूँ। हेयर किट की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये हेयर किट। मैंने ये हेयर प्रोडक्ट मैंने आज से एक महीना पहले बाय किया था और इसमें तीन प्रोडक्ट्स थी, कॉम हेयर ऑयल और एक हेयर शैम्पू। तो चलिए आपको बारी बारी इन तीनों चीज़ों के बारे में बताते हैं कि मेरा एक मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार सबसे पहले अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो होगा ये कॉम। तो यार ये एक वुडन कॉम नहीं है, मेरे हिसाब से ये एक गोल्डन कॉम है। ये हर किसी के पास ये कंघा होना चाहिए मेरे भाई। उसकी वजह ये है कि यार इसके ये जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये काफ़ी ओपन है। अगर आपके बाल कितने भी रफ हालत में हैं, कितने भी ख़राब हैं, आप इससे कंघा करें इससे ये होगा कि बाल इसमें अटकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। आई एम 100% श्योर कि जब आप ये लेंगे और यूज़ करेंगे तो आप भी यही फील करेंगे कि यार कोई भी हालत हो जाए, आप बाहर से आते हैं, बाहर हवा चल रही है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप आएँ इससे कॉम करें और आपके बाल 100% परफेक्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि बिल्कुल आप हीरो बन जाओगे, लेकिन इसमें अटक के टूटेंगे नहीं। नॉर्मली हमारे जो कॉम्स में इशू होता है कि बाल अटक के टूटने लग जाते हैं, इसमें वो इशू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आई विल गिव 10 out of 10, ये मैं मस्ट है मेरे। अब ऑलमोस्ट ये बैग में भी होता है और मैं इसे अपने साथ कैरी करता हूँ, क्योंकि अब मैं भाई रिस्क नहीं ले सकता दूसरे कॉम यूज़ करने का ये यूज़ करने के बाद। तो चलिए इसके बाद हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट था उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट हमारा होने वाला है हेयर ऑयल। तो जो हेयर ऑयल था वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इस पैकिंग में आता है। अब चलिए आपको बता देंगे भाई ये हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद मुझे कैसा फील हुआ और इसका रिजल्ट्स क्या सामने आए। तो भाई मैंने जो हेयर किट, यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ कि दो हेयर किट है इनके पास, एक हेयर रेस्क्यू किट है और एक हेयर रिवाइव किट है। मैंने हेयर रेस्क्यू किट ऑर्डर की थी क्योंकि जब मैंने बाल बड़े किए उसके बाद थोड़ा मुझे फॉल नज़र आने लगा बालों में, तो मैंने इसीलिए वो हेयर किट ऑर्डर की कि मेरे बाल थोड़े जो हैं वो बेहतर और हो जाएँ। तो ये ऑयल भाई आई विल गिव 9 out of 10। तो उसका रीज़न ये है कि इसमें से थोड़ी सी एक धीमी सी खुशबू आती है लगाने के बाद, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई। तो लेकिन ये आप लगाएं, एक घंटा पहले लगाएं, और उसके बाद आप जो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है वो है इनका शैम्पू। ये अभी तो खाली बॉटल है, आई यूज्ड इट, अब सेकंड ऑर्डर करने जाऊंगा इंशाल्लाह मैं। तो इसको भी मैं 9 out of 10 दूंगा, वो है इसकी कोकोनट स्मेल की वजह से। कोकोनट स्मेल जो है इसमें भाई वो मैं वॉश करने के बाद एक दो घंटे तक मुसलसल रहती है। अब इन चीज़ों का बेनिफिट क्या था, ये जो दो चीज़ें एक साथ आप यूज़ करेंगे इनका बेनिफिट। तो तीनों चीज़ों की जो मैं प्राइस की बात करने जाऊँ, मुझे ईट डील में ऑलमोस्ट ये 2000 की ये तीन चीज़ें कॉस्ट की थी। ये तो मेरा एक मंथ या मेरा ख्याल 3 weeks में ख़त्म हो गया था ये जो शैम्पू है। कॉम तो ज़ाहिर है जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, जब तक आपके साथ चलेगा, ये अब तक बाकी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ये देखें तो ये मोस्टली मैं वीक में 2 बार यूज़ किया, इसी वजह से ये अभी तक मेरा ख्याल इतना ही खाली हुआ है, पूरा फिनिश भी नहीं हुआ। ये मैंने बड़ी बॉटल ही ऑर्डर की थी शैम्पू की, मैंने ट्राई देने के लिए छोटी बॉटल ऑर्डर की थी। तो यार इसका अगर ओवरऑल मैं देखूँ तो इस पूरी किट को मैं 9 out of 10 ही दूंगा। बहुत ज़बरदस्त किट है और मेरे पास अभी भी इसका वाउचर मौजूद है। अगर आप ये वीडियो देखें रिव्यू की और आपको वाउचर चाहिए तो कॉमेंट करें और मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, इंशाल्लाह जिसको जिसका नाम आएगा उसको ये वाउचर दिया जाएगा। तो होप सो यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जितना डिटेल में बता सका मैंने इसके बारे में बता दिया। और मैंने ये ऑर्डर की थी द हेयर पेंट्री से, ये नाम है इनका, यहाँ से आप जाके इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो पेड वीडियो नहीं है भाई, आई पर्सनली यूज्ड इट और मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप लोग को भी बताना चाहिए, तो मैंने आप लोग को भी बताया। तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।